हाय गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम गोल्डन फ्रॉम गोल्डन इंग्लिश ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, टुडे आई हैव ब्रॉट एन इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर एंड वी शैल फर्स्ट रीड अबाउट ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? फ्रेंड्स, ग्रामर इज एन आर्ट थ्रू विच वी लर्न हाउ टू स्पीक और राइट अ लैंग्वेज वेरी करेक्टली। इट मीन्स व्याकरण वह शास्त्र या कला है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखना या बोलना सीखते हैं। हम लोग बिना ग्रामर के दोस्तों ना हम लोग शुद्ध शुद्ध लिख सकते हैं ना बोल सकते हैं। जैसे आप समझिए, मेरे जेब में एक कलम है, मैं हटाइए तो सेंटेंस क्या बनेगा? मेरा जेब एक कलम है। सेंटेंस तो रॉन्ग हो गया एक मैं हटाने से। मैं क्या है? प्रीपोजिशन, जो कि ग्रामर का एक पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसको बहुत अच्छे से। अब सीखेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज, लैंग्वेज होता क्या है। तो लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इट मीन्स हम लोग अपने मन के बातों को दूसरों से कहते हैं। तो आप समझिए, लैंग्वेज जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सप्रेशन और एक होता है लिटरेचर। मीन्स अब व्हाट इज एक्सप्रेशन? व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग इन एन ओरल लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जब हम अपने मन के भावनाओं को बोलकर व्यक्त करते हैं उसको हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी अभिव्यक्ति कहते हैं। एंड सेकेंड वन इज लिटरेचर। व्हाट इज लिटरेचर? व्हेन वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग इन अ रिटन लैंग्वेज इज कॉल्ड लिटरेचर। तो ये भाषा का इंट्रोडक्शन हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग किस पे? लेटर पे। व्हाट इज लेटर? लेटर किसे कहते हैं? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच इज इंस्पायरेबल इज कॉल्ड लेटर। इंस्पायरेबल मतलब अविभाज्य, जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। ओके, यानी लेटर का हिंदी होता है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, यानी अक्षर किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो अविभाज्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। अब समझिए, ये अब आते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट पे। अब अल्फ़ाबेट होता क्या? अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। यानी वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब नोट में एक चीज़ हमने लिखवाया है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, यानी 26 अक्षर होते हैं। कौन कौन? ए से लेकर के जेड तक, ये 26 होता है। जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, यानी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 होते हैं, 52 होता है। अच्छा, लेकिन इंग्लिश में 26 होता है, इसलिए इंग्लिश इजी होता है। कंपेरिजन कीजिए किससे? हिंदी से। तो क्योंकि जिसमें कम लेटर्स उसको और इजी, जिसमें ज़्यादा लेटर्स वो और हार्ड होगा। अल्फ़ाबेट कैन बी रिटन इन टू स्टाइल्स। अल्फ़ाबेट को दो तरीक़ों से, दो ढंग से लिखा जाता है। एक कैपिटल लेटर, डैट मीन्स बड़ा अक्षर, स्मॉल लेटर, डैट मीन्स छोटा अक्षर। ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, मीन्स ये 26 जो लेटर्स हैं इसको हम लोग कैपिटल लेटर्स बोलेंगे। अच्छा, एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डॉट 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 जेड तक जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल लेटर बोलते हैं। देखिए, अब हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? सीख चुके हैं हम लोग, अब काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। अब अल्फ़ाबेट्स के कितने काइंड्स होते हैं? तो अल्फ़ाबेट के दो काइंड्स होते हैं, एक होता है वॉवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। वॉवेल किसे कहते हैं? इसको हिंदी में स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। सुनिए, वॉवेल किसे कहते हैं? द लेटर विच इज सेल्फ प्रोनाउंस्ड इज कॉल्ड वॉवेल। यानी वह अक्षर जो स्वतः उच्चारित हो, जो किसी का मदद न ले, जो दूसरे किसी वर्ण का मदद न ले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉवेल बोलते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स की संख्या कितनी है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? 5 है। एंड सेकेंड वन इज कॉन्सोनेंट। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? सबसे पहले आप सीखेंगे कॉन्सोनेंट होता क्या है। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ अ वॉवेल इज कॉल्ड अ कॉन्सोनेंट। यानी वह अक्षर जो उच्चारण में किसी वॉवेल से मदद ले उसे हम व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट होता है ये होता है 21। कहाँ से कहाँ तक? तो बी सी डी, मीन्स आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से ए ई आई ओ यू को छांट लीजिए, बाकी सब का सब क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है।
और एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये भवेल को जब हम उच्चारण करेंगे ना तो हमारा लिप्स नहीं सटता है। इट मीन्स आवर लिप्स डोंट टच इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वोवेल।